इस चीज पर तवज्जो करो जो तुम्हें हासिल है, जो तुम्हारे पास मौजूद है उसके इस्तेमाल के तरीके सीखो, और उसके बारे में न सोचो जो तुम्हारे पास नहीं है, उसके बारे में न सोचो जो तुम्हारे पास नहीं है, उसके बारे में सोचो जो तुम्हारे पास है, और उसका दुरुस्त तरीका सोचो कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। हर बंदे के पास हर चीज नहीं होती। हम कहते हैं फुला के पास अच्छी गाड़ी है, फुला अच्छा बिजनेसमैन है, उसके बाप के ताल्लुकात हैं, हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? फुला के सियासतदानों के साथ ताल्लुकात हैं, हमारे पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, इसलिए हम कामयाब नहीं हो सकते। इन हीले बहानों को छोड़ो, हौसला पैदा करो, वलवला पैदा करो, जज्बा पैदा करो, जनून पैदा करो, और अपनी कामयाबी को अपनी आंखों के सामने रखो। मेरे पाकिस्तानी भाई, तुझ तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, तेरे पास सब कुछ है, तुम मजदूर है, दिहाड़ी लगाने वाला है, हर रोज काम करने वाला है, अगर लोगों के घरों में बर्तन भी साफ करता है, कपड़े धोता है, कोई भी तेरा काम है, कुक है, फूड बनाता है, लेकिन वो जो तेरा मालिक है तो उससे बहुत आगे जा सकता है। लेकिन जज्बा पैदा कर, कभी हिम्मत ना हारना। मत समझना गैर मुस्लिम का पैगाम पहुंचा रहा हूं, यही पैगाम हमारे सूफिया का है। मियां साहब आरिफ अकड़ी फरमाते हैं, चल चल हार, हिम्मत ना हारी। पंजाबी नहीं समझते ना आप लोग, मैं लखनऊ में बात कर रहा हूं, पंजाबी बोलूं तो कौन समझेगा वहां? कहां पर हूं? लखनऊ में हूं जी। यार बहावल नगर में हूं, यहां पंजाबी बोली जाती है ना। चल चल हार, हिम्मत ना हारी, ओढ़क फिर सी पासा। वो कहते हैं हार तू ना हिम्मत हार जाना, है हार है फेलियर, ओ फेलियर डू नॉट गिव अप, है हार तू ना हिम्मत हारना। अगर हार हिम्मत ना हारे, जितन जितन हर कोई खेले, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कोटी पेंदा, हारन दा मुल हीरा। हार से भी प्यार कर, ये हार भी कामयाबी देती है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हार के बाद रिएक्शन क्या होना चाहिए। गिव अप नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी। फरमाया चल चल हार, हिम्मत ना हारी, औड़क फिर सी पासा, भुखा चले मंगण मोहम्मद, एक दिन परसी कासा। हिम्मत नहीं हारी, भूखा चढ़े मंगण मोहम्मद, भूख होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि मैं कामयाबी हासिल करूंगा। मैं कहता हूँ तुम्हारे साथ तो गौसे आजम का साथ है, तुम्हारे साथ तो बाबा फरीद है, तुम्हारे साथ तो गरीब नवाज है और मदीने वाले आका है। अरे तुम तो वो हो कि जो रूहानियत की दुनिया में प्रवास करते हो, तुम तो वो हो, अगर दिल में जज्बा पैदा हो जाए तो मारिफत भी हासिल कर सकते हो। ये दुनिया तुम्हारे आगे क्या चीज है? उठो इस जज्बे के साथ और कहो कि अब टूट गिरेगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकू से न डाले जाएंगे। कोई बेहौसला बात करे तो उसकी बातों में नहीं आना, कहो कि अब ये जंजीरें मैं तोड़ दूंगा और कामयाबी हासिल करूंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक मदीने वाले आका से है। आज ही हमने एक मुनफरिद अंदाज में आका का मिलाद मनाया है। हमें कहा जाता है कि तारक को दुनिया, हाँ तारक को दुनिया भी बनना है, लेकिन अगर दुनिया में रहकर दुनिया को दिल में नहीं हाथ में रखना है, और हाथ में रखकर दीन दुश्मन ताकतों के मुंह पे मारना है कि हम इसे हाथ में रखते हैं दिल में नहीं रखते। हमारा दिल दम बदम दम रा गनीमत जानो, हम दम शो बदम वाकिफे दम बाशो, दम रा दम बदम बेजान मदम। दम हमारी रग रग यक जा चकुनत से सादी ये मिसकी के तो सद जा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं जहां ने ये हर रग हर हर नस सांस उनकी हो जाए, उनकी हो जाए, फिर दुनिया भी हमारी और फिर आखिरत में भी हमें अल्लाह की मार्फत हासिल होगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।